एशिया कप में हिंदुस्तान के दो खूनखवार खिलाड़ी का कमबैक, जख्मी शेर की तरह की वापसी, अब मुखालफिन को देंगे जख्म। केएल राहुल को आईपीएल में घुटने में चोट लगी थी, जिसके बाद वो पूरे सीजन से बाहर हो गए थे। इसके बाद वो इंजरी की वजह से वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भी जगह ना बना सके थे, लेकिन अब आलमी कप और एशिया कप से पहले केएल राहुल की तरफ से अच्छी खबरें आ रही हैं। इस फहरिस्त में सबसे पहला नाम स्टार बल्लेबाज केएल राहुल का है, जिन्होंने हिंदुस्तानी टीम के लिए कई कीमती इनिंग्स खेली हैं। केएल राहुल के नाम कई रिकॉर्ड दर्ज हैं। यही नहीं, वो बैरून मुल्क में भी शानदार बल्लेबाजी करते नजर आए हैं, लेकिन वो चंद माह से क्रिकेट से दूर रहे हैं। केएल राहुल 66 साल से हर फॉर्मेट में अपने खराब परफॉर्मेंस से जुदोजहद कर रहे थे। वो आईपीएल में लखनऊ की कप्तानी करते हुए भी फ्लॉप साबित हुए। खराब फॉर्म की वजह से केएल राहुल को काफी मौके मिले, लेकिन वो फ्लॉप ही नजर आए। इसके बाद भी वो बदकिस्मती से आईपीएल में मुहलक इंजरी का शिकार हो गए। केएल राहुल को आईपीएल में घुटने की चोट लगी थी, जिसके बाद वो पूरे सीजन से बाहर हो गए थे। इसके बाद वो इंजरी की वजह से वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भी बाहर हो गए थे, लेकिन अब आलमी कप और एशिया कप से पहले केएल राहुल की जानिब से अच्छी खबरें आ रही हैं। इस फहरिस्त में दूसरा नाम जसप्रीत बुमराह का है। बुमराह अपनी बॉलिंग से मुखालफिन के होश उड़ाने के लिए तैयार हैं। हर कोई स्टार गेंदबाज को मैदान में देखने के लिए बेताब है। बुमराह को आयरलैंड के खिलाफ T20 सीरीज में टीम इंडिया के कप्तान मुकर्रर किया गया। वो एशिया कप में हिस्सा डालने के लिए भी मुकम्मल तौर पर फिट हैं। जसप्रीत बुमराह की गैर मौजूदगी में टीम इंडिया को कोई जख्म लगे। बुमराह के बगैर हिंदुस्तान ने T20 वर्ल्ड कप, एशिया कप, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंची। कई बार बुमराह के डेथ ओवर्स में कमी खुली और टीम को इब्रनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा। आखिरी बार जसप्रीत बुमराह आयरलैंड के खिलाफ मैच से कबल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ गेंदबाजी की थी, लेकिन वो यहां कमर के दर्द की वजह से तवील अरसे तक क्रिकेट से दूर हो गए थे। हर कोई कई महीनों से इनकी वापसी का इंतजार कर रहा था। अब वो मेगा टूर्नामेंट के आगाज से पहले ही तबाही फैलाने के लिए तैयार हैं।